हेलो दोस्त, कैसे हैं? आज जो मैं शेयर आपके सामने लेके आया हूँ वो है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, FCL के नाम से जाना जाता है। और ये भी एक लॉन्ग पोजीशन होल्डिंग के पर्पज़ से आप इसको रख सकते हैं। और ये देखेंगे तो मेनली स्पेशलिटी केमिकल में बिजनेस करती है। आप देखिए, मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड लेदर इंडस्ट्री में इसका केमिकल जाता है, डिटर्जेंट के रूप में बनाती है। ये टीम मेम्बर हैं इनके। और आप देखिए, ये मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल ऑक्जिलरी एंड केमिकल इन इंडिया। तो इनके प्रोडक्ट में जाएंगे तो अब यही सब प्रोडक्ट हैं इनके। ये प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस के देखिए, ये क्या क्या चीज़ बनाती है। डाइंग में बनाती है, प्रिंटिंग में बनाती है, फिनिशिंग में बनाती है। तो मेनली टेक्सटाइल, लेदर, पेंटिंग, केमिकल, इन सब से रिलेटेड इनका बिजनेस है। और ये अच्छी खासी बिजनेस है। ये 1979 से में इस्टेब्लिश हुई है, बट शेयर मार्केट में लिस्टिंग हुआ है 2015 में। और आप देखेंगे यहाँ पे 2015 से इसके चार्ट को, 2015 के आसपास यहाँ पे प्राइस मिला था। मैं यहाँ अगर देखता हूँ तो ये 27 जनवरी 2015 के आसपास मेरे को यहाँ पे दिखा, जहाँ पे ये स्प्लिट भी हुआ है। तो मेरे ना ये इसी समय 24 रुपये का शेयर हुआ करता था। और स्प्लिट होने के बाद आप देखेंगे तो ये शेयर एक बार यहाँ पे आप देखिए तो ये 17-18 रुपये तक का शेयर हुआ चला गया था 2015 में। रिसेंट देखेंगे तो रिसेंट में ये बहुत ही लंबा हाई लगाया था। मैं इसके पहले भी आपको रिकमेंड किया था कि ये शेयर आपको बाय करना चाहिए था, जब ये 25-26 रुपये का हुआ करता था यहाँ पे। तब फिर मैंने आपको रेकमेंड किया था कि इसको बाय करना चाहिए। यहाँ के बाद देखिए, ये कुछ दिन के, ये देखिए पीरियड है 22 दिसंबर 2017 के आसपास, देखिए क्या जंप लिया था यहाँ से। और ये अपने हाई को 81 के हाई को लगाया, तो कहीं तो हाई ये आप देखेंगे अच्छा खासा हाई इसने बनाया था। ये देखिए तो 102 का हाई बनाया था। तो एक अच्छी केमिकल है। अभी करंट में देखें तो आप करंट में देखेंगे तो ये 39 रुपये 40 पैसे पे चल रहा है। वॉल्यूम 79 है, 1000 की वॉल्यूम है। और इसका 52 वीक लो हाई देखेंगे तो 34.20 लो है और 106 रुपये का हाई है। सेंटीमेंट कैसा है? सेंटीमेंट इसका बाई का अच्छा है। इसका सेंटीमेंट जो भी है वो भी बाई का ही है, कोई लॉस नहीं इसमें। अभी थोड़ा मोड़ा जा सकता है, ये कितना गिर सकता है अगर मैं पूछूँ तो कितना जा सकता है, आपको रिस्क कितने रुपये का है? तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी हालत से अपने 24-25 के लेवल को तोड़ेगा। और जाने का तो 102 रुपये, 106 रुपये आपको दिखाई दिया है, ये यहाँ तक जा सकता है, तो इशू तो है नहीं आपको यहाँ पे। अगर मैं इसके पी रेशियो को देखूँ तो ये 20 PE पे काम कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री की PE 28 है। तो ये भी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आपको यहाँ पे भी। तो ये भी अच्छा चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसके प्राइस वॉल्यूम को देखूँ, बुक वैल्यू को देखूँ, तो 12 रुपये का इसका सेट है, 12 रुपये का। और इसको जो 3 रुपये पे आपको मिल रहा है, तो आपको 3 रुपये बुक एसेट पर लगाने में कोई परसेंट नहीं। और अच्छी बात, और एक चीज़ देखिए, इतनी छोटी कंपनी होकर आपको डिविडेंड दे रही है। आप कितनी छोटी, अगर 30 रुपये की शेयर आपको डिविडेंड दे रही है, तो ऐसी कितनी इंडस्ट्री होगी मार्केट में जो एकदम स्मॉल वॉल्यूम पर आपको मिलता हो और आपको डिविडेंड दे रही हो। और एक अच्छी बात आपको बताऊँ, ये रिसेंटली ही बॉम्बे में नया केमिकल इंडस्ट्री 2008 में प्रोसेस स्टार्ट करने वाली, प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाली है। इसके लिए इसको और भी लोग, बड़े ट्रेडर होंगे, इसको गिरा रहे होंगे ताकि ये नीचे जाए और ट्रेडर अपना एक्यूमुलेट करे। और आप इसमें देखिए कंटिन्यूस बाइंग चल रही है, 50% 54% 50, मतलब 50% डिलीवरी है। जो भी ट्रेडिंग होगा उसका 55% डिलीवरी है। तो 30 रुपये का शेयर जो 102 रुपये जा सकता है, आपका कितना परसेंट आप गेन हो गया? 100-200% आपका गेन है। 60 × 120, तो 200% का गेन। अगर छोटे समय में आपको 2 या 3 साल में ये देता है 200% का गेन, तो आप 500-500 शेयर इसको लेके रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए आप 30 रुपये का शेयर है, 30 रुपये का, और आप 100 शेयर भी लेते हैं तो 3000 भी अगर लेते हैं, आप 100-100 शेयर लेते हैं, साल भर रखते हैं, तो 36,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट होता है साल भर का। ये छोटे मोटे FD भी करेंगे तो हो जाएगा आपको। FD का रिटर्न देख लीजिए और इसका रिटर्न फिर बाद में आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 3 साल के करके देखिए और आपको देख खुद ही पता चल जाएगा। और अभी थोड़ी इसमें गिरावट का एक कारण और भी, आप थोड़ा देखेंगे तो इसमें गिरावट है, उसका कारण आप चार्ट पे ही देखेंगे तो इसमें थोड़ा आपको गिरावट दिखने को मिलेगी। अगर मैं आपको ये चार्ट दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गिर रहा है। यहाँ पर अच्छे खासे ऊपर ऊपर 44-45 रुपये पर मिल रहा था ये, और रिसेंट अभी जो यहाँ पर था 60 रुपये पर। यहाँ से जो क्रूड के चलते इसमें क्रूड में गिरावट आई, क्रूड बढ़ा, ये था आपका 8/9/2018। अभी अगस्त में ये 60 रुपये पे था, यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट आई है और अब आपको बॉटम में मिल रहा है। और ये आपको ये भी बता दूँ, ये नई फैक्ट्री का प्रोसेस प्रोडक्शन चालू करने वाला, आप इसके साइट पे जाइए, आपको इसका वीडियो मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, आप ये खुद ही प्रोडक्शन चालू करने वाले हैं।
और आप देखिएगा फिनोटेक्स केमिकल किस में काम करती है, तो यहाँ पे भी लिखा है इन्होंने, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड इज इन इंडियन कंपनी हेडक्वार्टर इन मुंबई इंडिया। फिनोटेक्स हैज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल एंड इंजाइम्स फॉर टेक्सटाइल गारमेंट वाटर ट्रीटमेंट लेदर इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पेंट इंडस्ट्री एग्रोकेमिकल एडहेसिव एंड अदर। आप समझिए इतने बिजनेस में जिसके केमिकल को यूज किया जा रहा हो वो क्या खत्म हो जाएगा, और आपको 39 रुपये पे मिल रहा है तो क्या आपको लॉस, और बोलता हूँ यहाँ से भी नीचे मिल सकता है 35 तक तो आपको मिल ही सकता है, लेकिन आप मार्केट को कभी टारगेट नहीं कर सकते। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इसको मार्केट को टारगेट करके काम करें, आप इसको आपको लगता है तो आपको इसको बाय करना चाहिए, अपने पेपर ट्रेडिंग कीजिए, इसको अपने पोजीशन में होल्ड रखिए। और इसके बारे में बताओ शेयर होल्डिंग परसेंटेज बताता हूँ, आज के डेट में इसकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज क्या है, 71% है, ये देखिए यहाँ पे है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कब, ये 71, ये देखिए 2015 में कितना था, आपको चलिए 2015 में दिखाता हूँ, 71.72%, और आज के डेट में क्या है इनका, एक मिनट, ये 71.7 बॉडीज कॉर्पोरेट 68 था और 3% बॉडीज कॉर्पोरेट का था, 71.72 था, और आज की बात देखिए तो अब क्या है, सितंबर 2018 में क्या पोजीशन है इनका, तो 72%। अगर ये खुद ही जो मेंबर है जो कंपनी चला रहे हैं उनको खुद ही लग रहा है कि ये कंपनी अच्छी है तभी तो ये बाय कर रहे हैं, अगर प्रमोटर खुद ही बाय कर रहा है तो ऐसे तो बाय प्रमोटर करेगा नहीं, तो प्रमोटर की होल्डिंग अगर बढ़ रही है तो आपको खुद ही समझना चाहिए कि प्रमोटर इसमें अच्छा काम कर रही है। और देखिए सुरेंद्र टेबरीवाला जो इसके एमडी भी हैं उनकी होल्डिंग भी है 0.76%, और सुरेंद्र टेबरीवाला देवी प्रसाद टेबरीवाला यहाँ पे 62% की होल्डिंग भी है, 62% की इनकी होल्डिंग है, खुद ही मालिक है और खुद ही इतनी बड़ी होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, तो होल्डिंग तो अच्छी खासी है इसमें। अब इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी एक बार चेक कर लेते हैं, कोई म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है क्या, यहाँ क्वांटिटी मिड कैप फंड में देखिए अच्छे खासे, क्वांटिटी टैक्स गेन फंड में भी इन्होंने लेके जून 18 में यहाँ शेयर रखा है, छोटा ही प्रोपोर्शन है, ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रोपोर्शन नहीं है, बट इन्होंने रखा हुआ है। और अगर बल्क डील की बात करें तो यहाँ पे बीपी फाइनेंस स्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने ये बाय सेल किया था, ट्रेडिंग किया था, ये एक्टिविटी की थी, बाय सेल किया था 8 जनवरी 2018 को, तो खैर को उससे उस खास फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके अगर मैं इसके ये देखूँ कोई इन्होंने ये क्या कहते हैं गिरवी तो नहीं रखा ना अपने शेयर को, प्लीज तो नहीं किया है ना, तो अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो देखो था देखो आप देखिए यहाँ पे कोई जीरो प्लीज है, कोई भी इन्होंने गिरवी नहीं रखा है, तो ये एक और प्लस पॉइंट हो गया इस शेयर के लिए। कितने प्लस पॉइंट फाइनेंशियल, अब चलिए फाइनेंशियल एक बार देख लेते हैं, अब अपन एक बार फाइनेंशियल भी चेक कर लेते हैं, फाइनेंशियल क्या बोलता है, चलिए इसके बैलेंस शीट से जाते हैं। बैलेंस शीट में आपको दिखाते हैं कि अगर ये मार्च 14 में जो ईयरली है 11 करोड़ का इसका शेयर होल्डर पोर्शन था, 48 करोड़ का इसका रिजर्व सरप्लस था, तो अभी 98 करोड़ का है, डबल से भी ज़्यादा है। इसका डेप्ट आपको देखिए अगर यहाँ पे 0.73 था तो इन्होंने बाद में डेप्ट जीरो कर दिया था, वापस इन्होंने डेप्ट लिया है और नया कंस्ट्रक्शन जो प्लांट हो रहा था ना, नया प्लांट इस्टेब्लिश हो रहा था उसके लिए लिया था। और ये डेप्ट क्या है, 64 लाख का, 1 करोड़ भी नहीं है, मार्च 18 में आपको 1 करोड़ का भी डेप्ट नहीं दिख रहा है, तो कंपनी तो डेप्ट फ्री हो गई ना। अगर आपके पास 98 करोड़ का रिजर्व है और 64 लाख का है, ये तो कभी भी उठा के इसको पेमेंट कर देंगे, तो आप किसी भी हालत से देखिएगा तो इसकी पोजीशन तो आपको खराब दिखेगी नहीं। और मुझे तो अच्छा ये लग रहा है कि जो शेयर आपको 106-110 पे मिल रहा था, आज आपको फॉल के चलते यहाँ पे एक अप ट्रेंड तो बनाया था बट यहाँ पे फॉल लिया है। और एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए बेरिश रिवर्सल यहाँ पे फॉर्म किया था, यहाँ पे भी बेरिश रिवर्सल फॉर्म किया था, बट यहाँ पे चूंकि अब इसके लो को तोड़ा है, ये एक लो क्रिटिकल 3970 इसका एक क्रिटिकल लेवल था, वहाँ पे इसने तोड़ा है और तोड़ के 3910 पे, जो कि पहले आप देखेंगे तो अप था, 40 था, फिर 3890 था, फिर ऊपर ले रहा था, ये लोअर लो जो था, लो था उसको लोअर अपर हाई बना रहा था, अब यहाँ पे तोड़ा है तो कोई बात नहीं, एक बार तोड़ा है तो हमें उसे कोई खास कंसर्न नहीं है। और आप वॉल्यूम में भी देखें तो सेल की वॉल्यूम बन रही है, आप देखेंगे तो वॉल्यूम बन रही है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है सेल का, वॉल्यूम में देखें तो एक ट्रेंड बन रही है। तो चलिए अगर गिरने को है तो बहुत ज़्यादा नहीं, 35 जाना भी मुश्किल है। अब मैं टेक्निकल ट्रेंड को आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सीसीआई का ट्रेंड क्या बताता है आपको, थोड़ा फॉल तो बता रहा है, तो हो सकता है ये फॉल और भी थोड़ा आए, तो ऐसा नहीं है फॉल नहीं आएगा, फॉल आएगा, बट आपको यहीं पे एक्यूमुलेट करना है। अगर आपको 100 रुपये लगाना है तो आप 20-20 रुपये करके लगाना है, आप चालू कर दीजिए इसमें, एक साथ 100 रुपये में मत लगा दीजिए ताकि आपको नीचे 35, लेकिन इसमें बहुत स्कोप नहीं है,
या 35 या 30 तोड़े, बहुत ज़्यादा आप स्कोप मत समझिए इसमें। क्रूड अगर ऊपर ले लिया तो और भी ये ऊपर चला जाएगा। आर एस आई भी देखिए वैसे न्यूट्रल बता रहा है, और ये देखिए आपको डब्ल्यू आर जो बता रहा है, स्टॉकिस देखिए न्यूट्रल बता रहा है, मतलब थोड़ा नीचे है, सब नीचे की ओर बता रहे हैं, मतलब थोड़ा नीचे तो जा सकता है और गया भी है, और थोड़ा और भी जा सकता है, 2-3 रुपये और भी नीचे टूट जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट मैं इस लेवल पे मैं चाहूँगा कि आप पेपर ट्रेडिंग करें, अपने पोजीशन को होल्ड रखें, और इसमें पोजीशन चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं, जिनका होल्ड पोजीशन है उनको एवरेज भी करना चाहिए। बट ये सब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही आप कीजिएगा, कोई रिस्क नहीं लीजिएगा। और अगर इसमें कोई न्यूज़ है तो अभी कोई खास न्यूज़ नहीं है इस पर, अगर हम अभी तो कोई न्यूज़ दिख नहीं रहा है कुछ करने वाले हैं, या यहाँ पे देखें तो इनके साइट पे, एक मिनट रुकिए, अगर हम इस पे साइट पे जाएं, मैं आपको पुराना एक न्यूज़ दिखाता हूँ। इसके एमडी ने कुछ गैलरी में गैदर किया था, प्रेस रिलीज था इसका, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए मीडिया पे भी आए थे टिबरीवाल जी, टिबरीवाल जी का वीडियो मीडिया पे रिकॉर्डिंग है इसका, तो इसी में इन्होंने एक प्रेस रिलीज में की थी, जो दो से मैं बताया था कि अपनी फैक्ट्री कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। आप जाइए इस साइट पे जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे एक प्रेस रिलीज आपको पुरानी मिल जाएगी, यहाँ पे ऐसे नहीं है नहीं मिलेगा। पर इनका प्रचलन 30 कंट्रीज में है, उस समय 58 पे चल रहा था, फिर अप गया था, यहीं से 106 पे गया था और फिर नीचे ले लिया था। देखिए ये खुद ही बता रहे हैं कि 33 कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं। ये देखिए इनका हाईलाइट देखिए, मैन्युफैक्चर ओवर 400 स्पेशल केमिकल एंड एंजाइम में काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कितना अच्छा है। तब ऐसे बिजनेस में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ये इनके और भी डिटेल इन्होंने दिया है, एक टीम मेंबर है जो काम कर रहे हैं, ये इनका मैसेज है। ऐसी वीडियो और भी